नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों का धर्मसर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल भगवती यूनिक क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाला हूं। और यहां पर हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल है जिसका वीडियो हमने बना दिया है। तो आप सभी लोग उस एग्जाम्पल को देखें, उस वीडियो को देखें, क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इससे मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे पुराने वीडियो को देखें, वीडियो को स्किप करके मत देखें, सभी क्वेश्चनों को शुरू से अंत तक देखें जिससे आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाए। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना, लाइक कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। आइए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री हो, टेन ए माइनस बी बराबर वन अपर रूट थ्री हो, और जीरो से ए प्लस बी जीरो से बड़ा है और नब्बे से छोटा है, और ए बी से बड़ा है, तो ए बी का मान क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए बहुत छोटे सवाल हैं और ये है कि टेन ए प्लस बी बराबर है रूट थ्री के, तो टेन ए प्लस बी किसका मान हो, मतलब रूट थ्री अगर यहाँ टेन है तो टेन को देख, तो टेन रूट थ्री मान किसका होता है, टेन सिक्सटी का मान होता है। तो यहाँ बराबर हो गया टेन सिक्सटी, क्योंकि टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है रूट थ्री की, टेन ये कट जाएगा तो ए प्लस बी बराबर हो गया सिक्सटी, ये एक इक्वेशन बन गया। इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन को निकालते हैं, दूसरे पार्ट को, तो टेन ए माइनस बी बराबर है वन बाई रूट थ्री। अब जब टेन सिक्सटी का मान रूट थ्री है तो टेन थर्टी का मान अपन रूट थ्री होगा। टेबल आपको याद होगा तो आप अच्छी तरह इसको समझ जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे टेन ए माइनस बी बराबर टेन थर्टी, टेन से टेन कट गया तो ए माइनस बी बराबर थर्टी हो गया, और ये हो गया दूसरा। अब समीकरण एक दो को हल कर लेते हैं। तो समीकरण एक तथा दो को हल करने पर हल करेंगे जब, तो a प्लस बी बराबर है 60, a माइनस बी बराबर है 30, यहां से कैंसिल हो गया, 2a बराबर है 90 का, तो a बराबर हो गया 90 बटे दो, ए बराबर आपका हो गया 45 डिग्री। ठीक है, अब ए प्लस बी कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, ए की वैल्यू हमने निकाला है 45 डिग्री, और ये बी बराबर हो गया 60, तो बी बराबर हो गया 60 माइनस 45, तो बी बराबर हो गया 15 डिग्री। तो देखिए ए का मान बी से बड़ा है, ये भी क्लियर हो गया, और इन दोनों का जोड़ जो आया था 60 डिग्री वो 90 से छोटा है। ये आपका क्वेश्चन बहुत आसानी सॉल्व हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे सवालों को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, अभ्यास करें और इनको प्रैक्टिस करें, करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल, अब ये क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं कि हम ए और बी का मान ले लेते हैं, और जो मान यहाँ लेंगे लेफ्ट में रखेंगे वही राइट में रख देंगे, अगर उसको हल करने पे बराबर आ जाता है तो सत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। माना ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है, ये वैल्यू ले लेते हैं। तो LHS लेते हैं, LHS में देखिए कि साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन 30 प्लस 60, और ये बराबर हो गया साइन क्या हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया इसका मान 1, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। आर एच एस हम लेते हैं, तो यहाँ देखिए साइन ए प्लस साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60, और ये देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका मान होता है रूट 3/2, तो ये हो गया 1/√3/2। ठीक है,
अब LHS के बराबर नहीं है, चूंकि LHS नॉट इक्वल टू RHS, अतः असत्य है। इसका आंसर हो गया ये असत्य। ये क्या बन गया? असत्य। ठीक, अब दूसरे पार्ट को लेते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए, ये हमारा है कोण, ये कोण बनता है और ये, ठीक है, ये मान लेते हमारा एंगल है। लेकिन साइन में थीटा का मान बढ़ा, ये मान लो थीटा है, अब ये बढ़ करके इतना हो जाता है, ठीक, ये मान बढ़ गया, यहां थीटा ये बढ़ रहा है, तो ये लंब जो होता है इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है, लंब में वृद्धि होती है, और लंब में थीटा में वृद्धि होती तो लंब में वृद्धि हो, जब लंब बढ़ेगा तो इसका कर्ण भी बड़ा होता जाएगा, जितने लंब बढ़ेगा उतने हमारा कर्ण बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि थीटा में वृद्धि होने पर, और साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो अगर साइन थीटा में वृद्धि होगी तो लंब में वृद्धि होगी, और लंब में वृद्धि होगी तो कर्ण भी बड़ा होगा। कहने का मान यह हो गया कि लंब थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि थीटा बढ़ता है तो लंब कर्ण दोनों बढ़ता है, और साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, इसलिए ये सत्य है। ठीक है, अब तीसरा लेते हैं। थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए बच्चों, अभी हमने बताया कि कॉस का अनुपात होता है आधार और कर्ण, जब कोण हमारा बढ़ता है तो ये साइड बढ़ती जाती है और उस अनुपात में इसका मान घटता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे लंब बढ़ेगा कर्ण भी बढ़ता जाएगा, लंब बढ़ता जाएगा और कोण बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से हमारा आधार घटता जाता है और घटता जाता है इसका, और जब हम आधार छोटा होगा इसके अपेक्षा में, तो इस आधार छोटा होने पर, क्योंकि इसका संयोजन या इसका जो अनुपात होता है आधार और कर्ण का होता है, जब आधार घटेगा तो कॉस थीटा का मान घट जाता है। या यूं कह सकते हैं, कॉस थीटा इधर से देखेंगे तो ये लंब आता है, तो अगर यहाँ से देखते हैं तो ये हमारा आधार हो जाता है, ठीक है, इधर से देखते हैं अगर थीटा ये है तो ये घटता चला जाता है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे ये मान घटता है, अगर लंब बढ़ता है तो आधार घटता जाता है, कर्ण बढ़ता जाएगा, तो इसमें क्या होता है कि कॉस थीटा का मान घटता जाता है, जबकि ये कह रहा है कि कॉस थीटा में वृद्धि होती है, तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया, मतलब कॉस थीटा के मान में कमी आती है, जब थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ता है, कॉस और थीटा घटता है तो कॉस थीटा घट जाता है, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, लेकिन अगर जब सब थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा घट जाता है, इसलिए असत्य है। ठीक है, आगे दिया दी, थीटा बराबर जीरो, तो साइन जीरो बराबर हो जाए, साइन थीटा बराबर साइन जीरो, सॉरी ये जीरो है ये थीटा है, जीरो और ये बराबर जीरो हो गया, कॉस थीटा बराबर कॉस जीरो और बराबर वन, तो साइन जीरो, यहाँ पर जीरो रखने पे दोनों को मान LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है, और कोई वैल्यू ले लेते हैं, यदि थीटा बराबर 30
तो साइन थीटा बराबर हो गया साइन 30 के, और ये बराबर 1/2 हो गया। कॉस थीटा बराबर कॉस 30 का मान हो गया √3/2। तो LHS बराबर नहीं है RHS, हमेशा कभी भी बराबर नहीं है आता। साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा, और ये हो गया असत्य। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, पार्ट है इसका। कॉट ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, देखिए बच्चों 0 होने पर ये हमारा कोण है और ए पी सी, जब 0 होगा तो ये घटता जाता है, जब कोण ये घटेगा रिड्यूस होगा, पहले यहाँ पे आएगा फिर यहाँ पे आएगा, ये ऐसे फिर यहाँ पे आएगा, एक समय आएगा कि ये यहाँ पे आ जाएगा, ये मतलब ये बी है और ये सी भी यहीं पे आ जाएगा, ये घट के यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लंब गायब हो जाता है, और कॉट बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। अब आधार तो ए बी है लेकिन लंब जो है हमारा ये बी सी, और ये हो गया लंब बी सी, तो ये तो ए बी है और ये होगा 0 बराबर अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, तो अगर लंब 0 होगा तो हमारा कॉट थीटा अपरिभाषित हो जाता है, वो किस कंडीशन पे, जब ये 0 होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना, लाइक कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और सभी वीडियो को जरूर देखना और स्किप करके मत देखना, क्वेश्चनों का अभ्यास करना, और जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ और सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।